हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको दिखाऊंगा हाटू टेंपल और बागी और रूट्स कंट्री स्कूल उपस्थित है। नारकंडा से 5 किलोमीटर हाटू टेंपल आएगा और उसके 7.5 किलोमीटर के बाद हमें बागी आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम आपको दिखाते हैं हाटू माता का मंदिर जो बहुत हाई अल्टीट्यूड पर स्थित है। तो चलिए, तो लो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं हाटू माता मंदिर। जय हो माता। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, यहाँ का बहुत हाई अल्टीट्यूड पे है और बहुत सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का। आप देख जैसे देख रहे हो कितना सुंदर बनाया गया ये हाटू माता का मंदिर। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, स्पेशली आते हैं। और ये यहाँ पे सुंदर झील जो बहुत अच्छी लगती है, पर्यटक यहाँ के बहुत आनंद लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बागी, ये बागी का 0 पॉइंट, यहाँ से अगर आप राइट साइड को जाओगे तो आप रतनाड़ी और कोटखाई की तरफ को जाओगे। हम स्ट्रेट जा रहे हैं, ये सीधा आपको बागी, खदराड़ा, सुंगरी और रोड जाता है। तो अब हम बागी पहुंचने वाले हैं बाज़ार में। उससे पहले आप ये देखिए सुंदर बगीचे। इस यहाँ के बगीचों की ये खासियत है कि एक तो ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है, तो इसका जो सेब का सीज़न है यहाँ पे अक्टूबर लास्ट चलता है। यहाँ के सेब बहुत मीठे और रसदार होते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्रीन छत वाला PWD का रेस्ट हाउस बागी में। और ये बागी बाज़ार शुरू हो गया है, बहुत अच्छा बाज़ार है यहाँ पर। हालांकि स्टेशन छोटा है परंतु उसी हिसाब से बाज़ार बहुत बड़ा है। तो हम इस बाज़ार से अब क्रॉस कर रहे हैं। बैक साइड में भी बाजार है जो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ एक और 0 पॉइंट आ गया। यहाँ से राइट की तरफ जाओगे तो हमें रूट्स कंट्री स्कूल मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्कूल है, कोएड है। बोर्डिंग कम डे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लगभग 7 बीघा में बनाया गया। यहाँ पे कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, बिल्डिंग है, प्लेग्राउंड है और 7 बीघा का एरिया है जो स्कूल के लिए कवर किया गया है। बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ है, इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है,
यह स्कूल चारों तरफ से चेरी और सेब के पौधों से घिरा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये बागी का पेट्रोल पंप आ गया है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो नेक्स्ट वाओ, कितनी सुंदर गाय है। सुनसान जंगल है, बहुत ही प्यारे है। और ये देखिए, एक अंकल यहाँ पैदल चल रहे हैं अपने घर की तरफ। इनको कोई वो नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है इन जंगली रास्तों से चलना, पैदल चलना। देवदार के बहुत ही सुंदर जंगल का नज़ारा देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ आके थोड़ा सा रुक के आपको यहाँ से कुछ सुंदर दृश्य दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये पहुँच चुके हैं कि आप सामने देख रहे हो, ये ग्राफीदार है। और ये आप देख रहे हो यहाँ का रिंग शेड का कितना सुंदर बनाया हुआ है, ये ग्राफीदार है। कितना अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर जंगल, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये देखिए, कितने सुंदर मकान बना रखे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। जंगल के बीच में घास, पेड़ पौधे, यहाँ का वातावरण बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आकर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।